अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ लोग आए और हमारे पति को ले गए, गाड़ी में ले गए, उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहे। बेटी पहले पानी पी। अब हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते, आप हमारी मदद कर सकती हैं। हाँ, मैं करूँगी। इधर बाजू में जा, और वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ अपना रिपोर्ट लिखा दे। किस तरफ जाना है? इस तरफ से, मैं बताती हूँ। ये ज्यादा चटपट कर रही है, सबसे पहले तो इसका मुंह बंद करना चाहिए। अरे सुनिए जी, काहे फालतू झमेले में पड़ रहे हो, और इस औरत से हमें काल लेने देना, शांत हो जाइए। सुनिए, आप सबका फोन ले लीजिए। बोलो, अपना अपना फोन दो। नहीं नहीं है? नहीं। फोन निकाल चल। हम फोन नहीं देंगे। माँ पापा कहाँ हैं सब? The number you are trying to call is currently not reachable. Landline भी नहीं? कहाँ हैं सब? तुमको बताएंगे कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? सब कुछ इस लड़की का याद आ रहा है। माफी मांगना तो एक बहाना था, बहाना। दरअसल इस लड़की को शहर छोड़कर जाने के लिए पैसे चाहिए थे, और इसीलिए ये अपने गुंडों को लेकर हमारे घर में आ गई। पहली बार तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार हमारी गुड़िया को ढाल बनाकर हमारे घर में घुस गई है। सब कुछ इसी ने किया है, सब कुछ। सिस्टर, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम सब रख लो, पर हमारे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। सृष्टि, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज। आपको पैसे चाहिए ना, आप ये हमारे गहने रख लीजिए, ये लीजिए, हमारे बच्चे को वापस कर दीजिए प्लीज। हमें जो चाहिए वो तो हम लेके ही रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारी आखिरी चेतावनी है तुम सब लोगों को, अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की किसी ने भी, तो उसकी कीमत ये बच्ची चुकाएगी। प्लीज प्लीज, हमारे बच्चे को वापस कर दीजिए प्लीज। पूजा, बेटा तुम जाकर पैसे ले आओ। जाओ पूजा, जल्दी जाओ, पैसे लेकर आओ। देख लिया अभिषेक, बिना पूछे नौकरी देने का नतीजा। बुआ जी, गलती हो गई, अर्जेंट जरूरत थी तो लगा ली, लेकिन हमको थोड़ी पता था कि एक दिन में रंग दिखा दी मक्कार औरत। चुप।
ये ले लीजिए पैसे, अब हमारी बच्ची हमें वापस चाहिए। अब तो आपको आपके पैसे मिल गए ना, हमें हमारी बच्ची मारा। पीछे हो जाओ। आपको पैसे मिल गए हैं ना, तो बच्चा वापस कीजिए। सृष्टि, अपना ये नाटक रहने दो, कहो तो लग जाए ढंग से। ये सब ना तुमने इनके साथ मिलकर किया है। अजी प्लीज प्लीज अब पे विश्वास कीजिए, हम इनके साथ मिले हुए नहीं है। बस करो सृष्टि, अपनी घड़ियाली आंसू हमें मत दिखाओ, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बंद करो ये झगड़ा, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा बच्चा। हमें सिर्फ सुरक्षित जगह पे पहुंचाने दो, उसके बाद तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दी जाएगी। एक बात कान खोल के सुन ले, हमारी पोती को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। अब बच्ची वापस कीजिए। सृष्टि जाने दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, जाने दो इसे। नहीं भैया, हमें पैसों की परवाह नहीं, लेकिन अगर ये बच्चे को लेके गए ना, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। ये छोड़ दो, छोड़ दो सविता को, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। बाहर तो पुलिस आ रही है हाथ में तोहफा लेकर। इंस्पेक्टर ने कहा था कि यहीं पर मिलेंगे, अब तक आए क्यों नहीं? मकसूद से बोलो टाइम पे पहुंच जाए, इस केस में उसकी गवाही बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर। हाँ तो आप ही है वो जिनका पति का यहाँ से किडनैप हुआ है, आप तो स्टेशन पे भी आए थे ना? हाँ तो कब किडनैप हुए मिस्टर गुप्ता? इंस्पेक्टर हमारे पति का नाम ध्रुव पांडे है, गुप्ता। क्या? देखिए दरअसल हम लखनऊ से आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, और जैसे ही आए उन्हें किसी ने अगवा कर दिया। हम हमारी आंखों के सामने एक गाड़ी ऐसे चली गई, हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। क्या उन लोगों ने आपके पति को किडनैप क्यों किया? हम समझे नहीं आप क्या क्या कह रहे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर गुप्ता रूम नंबर 505 में ठहरने वाले हैं, और उनका यहाँ से किडनैप होने वाला था, इसलिए हमने उन्हें यहाँ आने से मना भी किया था। हमें लगा शायद वो आगे होंगे और उनका यहाँ से किडनैप हो गया। 505 हमारा कमरा इंस्पेक्टर। या अल्लाह, मतलब मिस्टर गुप्ता को कोई खतरा नहीं है? ये क्या मतलब हुआ इंस्पेक्टर? आपको सिर्फ एक सरकारी ऑफिसर की पड़ी है और एक निर्दोष व्यक्ति की जान खतरे में, आप कुछ नहीं करेंगे? कोई चिंता नहीं आपको उनकी? आपने इस देश के नागरिकों की रक्षा करने की कसम खाई तो आप अभी पीछे नहीं हट सकते। चाहे वो कोई VIP हो या आम आदमी, आपको उनकी रक्षा करनी होगी। अब सिर्फ हमें इतना बताइए कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि ध्रुव जी गलत आदमी है, तो उनके साथ कुछ मतलब कुछ। वो लोग अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते, अगर उन्हें आपकी पति की जरूरत नहीं होगी तो उन्हें मार देंगे। नहीं, नहीं। क्या कह रहे आप? गुप्ता जी, गुप्ता जी, आप हमें बहुत हल्के में ले रहे थे। हमने कहा था ना, आप यहां आएंगे तो हमसे बच नहीं पाएंगे। गुप्ता, अरे आपने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया, अब आपके जरिए हमारा काम होगा। आज शाम के अखबार में ताजा तरीन खबर आएगी, धनुष गुप्ता का दिन दहाड़े अपहरण। देखिए भाई, अब जो समझ रहे हैं, हम वो नहीं है, हम धनुष गुप्ता नहीं है, हमारा नाम है ध्रुव पांडे, ध्रुव पांडे हमारा नाम। <laughs>
क्या बचकानी हरकत करता रे, हमें बेवकूफ समझा है, तू नाम बदलेगा और हम मान लेंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हमारी बात का तो एक काम करिए, आप हमारा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। पीछे वाली पॉकेट में हमारा पर्स पड़ा, आप निकाल के देख लीजिए एक बार प्लीज। देख ये क्या बकवास है, कौन है तू? बता रहे हम आपको, ये हमारा नाम ध्रुव पांडे है, लखनऊ से हम, पता लगवा लीजिए। हमारा पता जो है वो लाइसेंस के पीछे है, जो भी आपको हमारे बारे में जानकारी चाहिए चेक कर लीजिए आप। पता कर इसके बारे में, ये सच बोल रहे हैं। बॉस अगर ये सही बोला होगा तो करना क्या है, मार के फेंक देंगे होटल के बाहर। सबके सब चुप रहेंगे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता यहाँ तो पुलिस आ गई, हमारा प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करें? आशे अबे जी दरवाजा खोलिए। आशी एक मिनट मैं फोन लगाता हूँ, तो पकड़ो इसको। आशी का फोन तो बंद आ रहा है। यहाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा बाहर निकलने का। अगर दरवाजा खोला तो इसकी गर्दन काट देंगे और फिर भाभी जी दरवाजा खोलो, क्या हो रहा अंदर? शर्मा अंदर पक्का कुछ गलत हो रहा है, जल्दी बैकअप बुलाओ। यस सर। तुम जो कोई भी हो 5 मिनट में पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी, फिर तुम्हारा निकलना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को अभी हमारे हवाले कर दो। डीसीपी ज्यादा होशियारी मत करना, हमें शांति से यहाँ से जाने दो वरना हम घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बकवास नहीं सुनेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं सुनेंगे। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए मगर अरे पति है, लेकिन आप क्यों समझेंगे? आपको तो सिर्फ उन्हीं की मदद करनी है जिनके पास पावर है, पैसा है, रुपया है ना। हम आप आदमी तो कुछ नहीं है आपके लिए, पहले भी हम अपने दम पर सब चीजें करते थे, आप भी करेंगे, हमेशा से तो यही होता आ रहा है। ठीक है आप कुछ मत कीजिए, आप अपने हाथ में हाथ धरे बैठे रहिए, मदद मत कीजिए हमारी, हम खुद कर लेंगे सब, हम बचा लेंगे हमारे पति को। पर ये बात आप याद रखिएगा, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए लेकिन हम ध्रुव जी को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर एक आज तक नहीं आने देंगे, और ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है हम अपनी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे, बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, और हाँ अपने पति की एक फोटो हमें भेज दीजिए।
भेज दिया आपने। ओके ठीक है हम चलते हैं। मैडम सॉरी मैडम पर इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे थे। सही होंगे आपके लिए, बाकी के दुनिया वालों के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत कहा उन्होंने, हमारे पति निर्दोष है और हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें हम छुड़ा कर लाएंगे। जब तक हम ध्रुव जी को ढूंढ नहीं लेते माँ, उनकी जिंदगी आपके हाथों में, हम कोई कमी नहीं रखेंगे माँ। लेकिन प्लीज आप भी अपने आशीर्वाद में कोई कमी मत रखिएगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यहां से एक नहीं दो लाशें जाएंगी मां। उनके बिना नहीं जी सकते। प्लीज रक्षा कीजिए मां। बिहार नहीं मानेंगे, हम ध्रुव जी को बचा कर ही रहेंगे। वादा करते आपसे। ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है, यह ध्रुव पांडे है। तो अब क्या करें बॉस, इसके जरिए तो हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो पाएगी। मांगे तो हमारी अब भी पूरी होंगी। तू एक वीडियो बनाने की तैयारी कर और वो जनता से पहले सरकार के पास पहुंचना चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि एक बेकसूर इंसान के साथ अन्याय हो रहा है। तभी तो सरकार की संपत्ति जागेगी और हमारी मांगे पूरी होंगी। ये हमारी तरफ से प्रदेश की सरकार के लिए एक तोहफा होगा। पीछे। बहुत होशियार बनती है, हमारा खेल बिगाड़ने पे लगी है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कर जो तूने करना है। ये सब कुछ इसी ने किया है, हम इसे जान से मार देंगे। पीछे। हम तुम्हारी मांगे मानने को तैयार हैं, लेकिन घर में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता साफ कर दो, हम बाद में बात करेंगे। रुक जाओ, हमें यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। जब तक बच्चा हमारे पास है तब तक घर वाले और पुलिस कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, नहीं देखा है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि यहीं कहीं आसपास किसी गाड़ी में। नहीं देखा। है।
में से किसी ने इन्हें देखा है? एक गाड़ी में गए थे। प्लीज जरा ध्यान से देखिए। क्रॉस करके जाना तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन हो ना हो ध्रुव जी यही है।